उत्तराखंडियत, क्या है ये उत्तराखंडियत? गाहे बगाहे रोज आए दिन उत्तराखंड की सियासत में ये शब्द आप सुनते होंगे, उत्तराखंडियत। राज्य में उत्तराखंडियत को लेकर एक अलग सी जंग है। हरीश रावत उत्तराखंडियत का जिक्र करते हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, हर शख्स उत्तराखंडियत का जिक्र करता है। अब इसी शब्द को लेकर उत्तराखंड की सियासत में वार पलटवार हो रहा है। दो ऐसी शख्सियत के बीच में जो कभी दो जिस्म एक जान की तरह हुआ करते थे, कहने वाले कहते थे कि हरीश रावत वही करते हैं जो किशोर उपाध्याय कहते हैं, जो किशोर उपाध्याय कहते हैं हरीश रावत वही करते हैं, कहने वाले कहते थे, हकीकत क्या थी मालूम नहीं, लेकिन हुए अब जुदा तो उत्तराखंडियत को लेकर वार भी हो रहा है और पलटवार भी हो रहा है। हरीश रावत और किशोर उपाध्याय सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं उत्तराखंडियत को लेकर, अलग अलग तर्क दे रहे हैं, और इन तर्कों के बीच में सियासी हेराफेरी है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, कुछ पोस्ट लिखे हुए हैं, ये पोस्ट इन दोनों दिग्गजों ने लिखे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, बड़ी दिलचस्प चर्चा है आज, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट के बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंडियत के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तमाम कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। आए दिन उत्तराखंडियत को बचाने के लिए हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और कार्यक्रम दिखाई देते हैं। सरकार से कई बार उत्तराखंड को बचाने की अपील भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस शब्द को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है, वास्तविकता है। बचपन में माँ का प्यार चुराया, फिर गांव, घर, अड़ोस पड़ोस, फिर ककड़ियां, फल चुराए, गुर्जरों से ज्ञान चुराया, लेकिन कुछ काम चुरा पाया, फिर मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारी शब्द भी चुराया। श्री विजय बहुगुणा, श्री सतपाल, श्री गोविंद सिंह से मैंने भराणीसैंण, गैरसैंण शब्द भी चुराया, और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो अपने कई पहलों को नाम देने के लिए उत्तराखंडियत शब्द भी चुराया। मगर मैं निष्ठावान हूँ, माँ के प्रति, अपने घर गांव, अड़ोस पड़ोस के प्रति, गुर्जरों के प्रति, भराणीसैंण गैरसैंण के प्रति, राज्य आंदोलन के प्रति, और अब उत्तराखंडियत के प्रति निष्ठावान हूँ। भराणीसैंण राजधानी शब्द जिनसे चुराया, उनमें से दो लोगों तो निष्ठावान नहीं रह गए, श्री सतपाल और श्री विजय। देखते हैं जिससे उत्तराखंडिया शब्द चुराया वो उसके प्रति कितना निष्ठावान रह पाता है। हाँ, मैं हेरा फेरी वाला नहीं हूँ, अपनी धरती, अपने राज्य, अपनी पार्टी, अपने नेता, सबके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है। हेरा फेरी की आदत में गड़बड़ है, जो एक बार डगमगाया उस पर फिर कोई विश्वास नहीं करता। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड के असली सिपाही हरीश रावत जी हैं, जो उत्तराखंडी स्कोर बचाने का काम करते रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नाम पर उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उत्तराखंडियत की जो असली बात है, उत्तराखंडियत के जो असली जानकार हैं, जो उत्तराखंड को समझते हैं और उत्तराखंडियत को समझते हैं, वो नेता अगर उत्तराखंड में कोई है तो हरीश रावत जी हैं। ये उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है, उत्तराखंड के दूर दराज का चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सब जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की जो भाषा है, संस्कृति है, वहाँ की जो फसलें हैं, उनके लिए किसका संघर्ष है। उत्तराखंड में अगर काफल की बात कोई करता है, काफल को कोई प्रमोट करता है, कोदे को, झंगोरी को, कोणों को, उत्तराखंड की दालों को अगर कोई प्रमोट करता है, उत्तराखंड के कल्चर को, भाषा को हो, संस्कृति को, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर किसी व्यक्ति ने प्रमोट किया है तो उस नेता का नाम है हरीश रावत। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विश्व ने कहा, हरीश रावत उत्तराखंडियत के नाम पर सिर्फ चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, इसलिए कभी सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है तो कभी
उत्तराखंडियत के नाम पर दावतें रखते हुए सुर्खियां बनते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में हरीश रावत केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तब उत्तराखंड की याद हरीश रावत को नहीं आई, लेकिन अब उत्तराखंडियत के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के नेता हैं। उन्हें चर्चाओं में बने रहना आता है, मीडिया अटेंशन के लिए वो कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं, उसी में से एक क्रियाकलाप भी है। ठीक ही तो कहा है, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, तो उस समय उत्तराखंड के लोगों की याद उनको नहीं आई, उत्तराखंड की उत्तराखंडियत की याद ही उनको नहीं आई। आज अपने प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने एक किताब निकाली है और उस किताब पर उत्तराखंडित की बात कर रहे हैं, तो जो यही दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक हथकंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राज्य के विकास को लेकर भले ही इन नेताओं के पास कोई बड़ा रोड मैप ना हो, लेकिन नाम की राजनीति बखूबी देखी जा सकती है। अब ताजा मामला उत्तराखंडिया पर आ गया है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस के नेता जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये कैसी हेराफेरी, कैसी सियासी हेराफेरी, और अब इसी हेराफेरी को लेकर दो दिग्गज आमने सामने हैं। कौन किसके मुद्दे और किसका नाम, किसकी पहचान, किसके शब्द चुराता है। दोनों कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। दो चेहरे, एक जो कभी सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के शासनकाल में एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी एक के पास राज्य की कमान और एक के पास संगठन की कमान। दोनों मुखिया थे, एक संगठन के और एक राज्य के, और अब दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। यह है गजब की सियासत, हरीश रावत और किशोर उपाध्याय। सियासत के कई किस्से हैं और इन्हीं किस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हनी पाठक, बीजेपी का तेज तरार चेहरा। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट, अनुभवी चेहरा है कांग्रेस के, और संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के किस्सों पर आऊं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ। मसला उत्तराखंडियत का है, तो मैं जानना चाहता हूं शीशपाल जी आपसे, यह हेराफेरी कौन कर रहा है उत्तराखंडियत को लेकर, यह हेराफेरी वाली बात कहां से आ गई, प्लीज शीशपाल जी का ऑडियो। हाँ तिलक जी, देखिए मुझे नहीं पता कि आप किस संदर्भ में हेरा फेरी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन परसों 29 तारीख को आदरणीय हरीश रावत जी की जो लिखित पुस्तक है उत्तराखंड, तो उसका विमोचन है, और उसी पर मेरे ख्याल में कुछ राजनीतिक लोगों ने टीका टिप्पणी की होगी। राजनीतिक लोगों ने नहीं सर, किशोर उपाध्याय, जिनका नाम लेने से थोड़ा आप हिचकिचा रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। माननीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ, ऐसा है ना, अगर किशोर भाई कांग्रेस से तो चले गए हैं, तो शायद उनकी आत्मा अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही लगी हुई है, भटक रही है, और शायद उनको अपने राजनीतिक फैसले पे मलाल है। उनको लगता है कि गलत राजनीतिक फैसला हो गया है, भाजपा में शायद उनकी दाल नहीं गल रही है। अब ठीक है कि हरीश रावत जी इस राज्य के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में है, उत्तराखंड की माटी घाटी, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ठोदी, यहाँ का झमोरा, यहाँ का काफल उनको भली भांति पहचानता है, बच्चा हाँ। बच्चा जानता है। तो फिर किशोर उपाध्याय ये बात क्यों कह रहे हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। देखिए ये तो अब उनका शब्द है, इसके जवाब तो किशोर जी देंगे, मैं कोई उनका प्रवक्ता थोड़ा ही नहीं हूँ, भाजपा का जो मैं उस पर टीका। ओके, किशोर उपाध्याय जी इसका जवाब देंगे, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हनी पाठक जी, जी ये हेरा फेरी वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। किशोर भाई कह रहे हैं कि हेरा फेरी वाला मसला है, ये हेरा फेरी की बात कहां से आ गई।
मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बातें समझ में नहीं आती है। झूठ बोलने वालों, ये झूठे अंदाज कहाँ से लाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये खानदानी आदत है, झूठ बड़े प्यार से खुलेआम बोल जाते हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है शीशपाल विज जी, थोड़ा सा झूठ शर्म करके बोला करिए। आप लोग कहते हैं हरदा, आपके हारदा, क्योंकि हर बार हारते हैं तो अब मैंने उनका नाम ही हारदा दे दिया है। आप लोग कहते हैं हरदा आपके राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े और गणमान्य चेहरा माने जाते हैं। जब AICC की लिस्ट जारी होती है उनसे पूछा नहीं जाता है, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। आपके लल्ला बने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ही हर चीज को जारी करते बिना किसी से पूछे ताछे खुलेआम बोलते चले आते हैं और उनके ही विरुद्ध में सारे खड़े हो जाते हैं। और मुझे कंप्लीट कर लीजिए, अरे अरे कंप्लीट कर लीजिए, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता काफी है बीच बीच में इंटरव्यू करने को। डिबेट नहीं करना चाहूंगा। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट हनी जी संयम के साथ एक दूसरे का ऐसे चरित्र है। अगर टिप्पणियां करने लगूंगा तो मेरे पास तो बहुत बड़ा पिटारा है। नहीं शीशपाल जी, एक मिनट हनी जी, संयम के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए मैं बोल रहा हूँ ना, बीच एक मिनट आकर नेता को भगवान का दर्जा देते हैं। अरे भैया राजनेता कब से भगवान की गद्दी पर बैठने लगे? अच्छा एक मिनट शीशपाल जी म्यूट कर लीजिए। आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के कार्यक्रम में शीशपाल जी, एक मिनट शीशपाल जी अब बोल दिया ना आपने, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुको, आपने अपनी बात रख ली, अब एक मिनट रुक जाइए। आपने अपनी बात रख ली, मैंने विरोध दर्ज करवा दिया ना आपका। एक मिनट बीसी, आपने अपनी बात रख ली, मैंने विरोध दर्ज करवा दिया। हनी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हनी जी आप प्लीज शब्दों का चयन संयम के साथ करें बस, ठीक है बीसी? आप उनको बात रखने दीजिए। आप ओके तिलक जी, आपकी बात सर माथे पर। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि प्रीतम जी अगेंस्ट हो गए AICC के लिस्ट पर, बेहड़ जी खड़े हो गए इनके उसको लेकर, पुनिया जी को यहाँ आना पड़ा कलह शांत कराने को लेकर। जब उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था और उत्तराखंड बनाने को लेकर बात हो रही थी मसला, तो एक नारा लगा था उत्तराखंडियत का है, उत्तराखंडियत पे ही आ रही हूँ। एक नारा लगा था, तिलक जी आप बहुत पुराने हैं उत्तराखंड की हर जानकारी रखते हैं, खीर जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आती है। मैं पूछती हूँ हरदा जी से, अब आपने हरदा बोलने को मना कर दिया है, हरदा से कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी उत्तराखंड पे, कितना उत्तराखंडियत फैला दिया उन्होंने जो आप ये लाग लपेटा चलते चल रहे हैं। ठीक है ठीक, ये नाटक आप जल्दी से शीशपाल जी आप जवाब दीजिए, फिर संगीत जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं दूसरा सवाल एक और कहना चाहूंगी, दो सवाल एक हनी जी, हनी जी ये हरदा ये आप लोग ठीक है, कटाक्ष तुकबंदी करिए कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हारने की बात है ना, तो चुनाव तो अटल जी भी हारे, चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी है ना, तो ये संयम एक मिनट संयम, आप उनको बात रखने दीजिए बीच जल्दी से प्लीज, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा एक और नहीं है, उत्तराखंडियत वाली बात है ना मसला, उत्तराखंडियत पर ही तो आई हूँ मैं कि उस समय इनको ये नजर नहीं आया, अब नजर आता है। हरदा को ये लोग गणमान्य चेहरा मानते हैं जब वो वहाँ पर बेहोश होते हैं आंदोलन। ओके अब हनी जी बात तो रखने दीजिए बीसी को, बीसी प्लीज जल्दी से, फिर संगीता जी आ रहा हूँ आपके पास। नेता है और देखिए तिलक जी हरीश रावत जी के कार्यकाल में आप उठा के दिखे, अगर बोलते हैं कि उत्तराखंड से उत्तराखंड की भाषा के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं तब उत्तराखंडियत उनके अंदर क्यों नहीं जगती है, लेकिन जब विपक्ष में आते हैं तब क्यों संगीता जी संगीता जी अभी रुक जाइए, अभी बताऊंगा ये बताऊंगा उत्तराखंडियत का मतलब दोनों के लिए क्या है। एक मिनट अब फिर संगीता जी का ऑडियो रहेगा। प्रवक्ता ने धरना बना रखा है तो आप लोगों को जब टीवी चैनल में आने का मौका मिलता है तो शीशपाल जी और हनी जी का ऑडियो नीचे, संगीता जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, संगीता जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। एक मिनट मैंने कितनी बार बोला है तमाम अपने सहयोगियों को कि एक साथ सभी दिग्गजों को मत जोड़ा करो, ये दिक्कत भी आती है, दिग्गज जोड़ देते हैं सभी एक से बढ़कर एक धुरंधर। एक मिनट संगीता जी, ये एक है पूर्व मुख्यमंत्री और एक है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के,
एक मुख्यमंत्री जब हुआ करते तब उनके राज में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे किशोर जी, अब वो कह रहे हैं कि उत्तराखंडिया शब्द को चुरा लिया। ये उत्तराखंडिया शब्द को चुरा लिया, ये समझ से परे है मेरी थोड़ा। विपक्ष में आने के बाद देखिए तिलक भाई, उत्तराखंडियत आखिर है क्या, पहले तो ये समझने की जरूरत है। उत्तराखंड के जो लोग भी हैं, उत्तराखंडियत तो सबकी है, जो भी यहाँ का खान पान है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का पहनावा है, सारी चीजें उत्तराखंडियत में ही आएंगी। लेकिन देखिए, हम बात तो करते हैं यहाँ के राजनीतिक जो भी नेता रहे, चाहे वो भाजपा के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, क्योंकि 22 सालों में इन्हीं की सरकार रही है। हम ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड का जवानी, लेकिन उत्तराखंड की जवानी का आज क्या हो रहा है, बेरोजगारों के क्या हालात है और उत्तराखंड के पानी के क्या हालात है, ये सारी जग जाहिर है। हाँ। तो देखिए, उत्तराखंडीय शब्द का पहले मतलब समझिए और उस अर्थ को साकार कीजिए, तब उत्तराखंड की उत्तराखंडीयत की बात कीजिए। उत्तराखंडीयत की बात करने से उत्तराखंडीयत साबित नहीं होती। देवभूमि बनने का जो मकसद था, जो शहादत दी, वो यूं ही नहीं दी। और आज उत्तराखंड बनने के बाद 23 साल बाद भी उत्तराखंड का क्या हाल है तिलक भाई, आपने तो शुरू से आखिर तक दिल्ली में भी हाल दिखाई दे गया, 45 करोड़ दिखाई दे गया, 8 लाख का पर्दा दिखाई दे गया, डबल एक्सल की चप्पल दिखाई दे गई, और ये शर्ट दिखाई दे गई, चप्पल दिखाई दे गया, जो व्यक्ति ये कहता दिखाई देता था कि मुझे 2 कमरे 3 कमरे से ज्यादा की जरूरत नहीं है, घर का पानी का बिजली का पहलवान बेटिया क्या हाल करो संगीता जी, अब तो आपको दिखाने लायक नहीं हो। अच्छा एक मिनट हनी जी, एक मिनट एक मिनट, गुस्सा नहीं संगीता जी, ये बात एक मिनट संगीता जी, इतना क्रोधित क्यों हो जाते हैं आप लोग, इतना गुस्सा कहाँ से लाते हैं, आराम से। मैं जानना चाह रहा हूँ ये उत्तराखंडियत शब्द का इस्तेमाल किशोर उपाध्याय ने किया या किसी और ने किया, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि भैया ट्रेडमार्क मेरे नाम का कर दो, मैंने इस्तेमाल किया उत्तराखंड वाले। अरे बीजेपी वालों की अब वाली है, नैया किला जाने वाला है। अच्छा ठीक है ना, आप प्रधानमंत्री बन गए, आप मेरे सवाल का जवाब दो। संगीता जी एक मिनट, सवाल का जवाब दो ना, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लड़ाई आप लोग डिबेट होनी चाहिए, ये कुछ भी कहेंगे तो उसका जवाब इनको मिलेगा। ओके ओके ओके, आप जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर बाद में निपटेगा। मैं नंबर दे दूंगा हनी जी का, हनी जी आपको नंबर दे दूंगा संगीता, आपस में निपट लेना। ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी जिनको मर्यादा नहीं रहना। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो मेरे कार्यक्रम में, कम से कम गुस्सा मत करो आप लोग। हाँ शीशपाल जी, आप कुछ कह रहे थे किशोर उपाध्याय जी से, मैं पूछ लूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए तिलक जी, एक बात कर, भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के नाम से ही उनको नफरत है, भाजपा को, वो तो उत्तरांचल की बात करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब वो इस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, वो अब वो उत्तरांचल वालों के पाले में है, वो उत्तराखंड से ही शीशपाल जी, देखो उत्तराखंड समझने वाले नेता आदरणीय हरीश रावत जी, मैं समझ गया आपकी बात, आज मैं समझ गया आपकी बात शीशपाल जी, नहीं है शीशपाल जी, एक तो ना मुझे ना शीशपाल जी मेरी बात सुन लो, बेरोजगारी पर शीशपाल जी कर सकते, शीशपाल जी पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। ठीक है, आप गुस्सा मत करो, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। ओ भाई शीशपाल जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट हनी जी, शीशपाल जी ने, शीशपाल जी एक मिनट रुकिए ना, अब आपने अपनी बात तो रख दी, अब उत्तराखंडियत को लेकर बात रख दी ना आपने, आपने कहा कि उत्तराखंडियत की बात हरीश रावत करते हैं, अब आपने अपनी बात रख दी। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, अच्छा समझता कि उत्तराखंड की ये के मर्म को समझने वाले हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट शीशपाल जी, बेरोजगार सड़कों पर पीटे जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, अब सबका ऑडियो नीचे। शीशपाल जी आपने मुझसे कहा था, आपने देखिए जानते हैं ना, मेरे को चुनौती मत दिया करिए, मजबूरन मुझे चुनौती स्वीकार करनी पड़ जाती है। तिलक चावला को जानते हैं ना सर, फिर चुनौती आप मुझसे, मुझे या तो दिया मत करिए या फिर ये मत बोला करिए कि ये कर दीजिए। आप सुनिए मेरी बात शीशपाल जी, सुन लीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। जानते क्यों सुनना पड़ेगा, मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में किशोर उपाध्याय जुड़ गए।
ठीक, लाइव ले लूं उनको, इजाजत है? कैसे रोक सकता? हाँ, आप गुस्सा मत होइएगा, आप सुनिएगा उनको, आप सुनिएगा। आपने कहा ना तिलक चावला, तुम उनसे पूछ लो, अब मैं पूछ लेता हूं। ठीक, किशोर उपाध्याय जी कैसे हैं आप? प्लीज उपाध्याय जी का ऑडियो लगाइए, ऑडियो बढ़ाइए। किशोर जी, किशोर उपाध्याय जी प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिएगा। विधायक बीजेपी टीरी से कोशिश करते हैं। शीशपाल जी, मैं प्रयास कर रहा था, लग रहा है कुछ दिक्कत आ गई टीहरी में। ये मसला जो है उत्तराखंडियत वाला, क्या ये पुरानी टीस है, पुरानी पीड़ा है शीशपाल जी जिसका जिक्र कर रहे हैं? प्लीज शीशपाल जी का ऑडियो उठाइए। तिलक जी, गलत बात है वैसे। हनी जी क्यों? मुझे एक मिनट दे दीजिए, क्योंकि ये तो बीच में ही बोले जा रहे हैं। ठीक, जल्दी से हनी जी। तिलक जी, ये बात करते हैं कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंडियत की, मुझे बस एक चीज का जवाब दे दे कि जब ये विपक्ष में आते हैं तभी उत्तराखंडियत की याद इन्हें क्यों आती है, और जब हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन होता है तो हम लोग अपने सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी उत्तराखंडियत को दर्शाते हैं। अभी G20 सम्मेलन में रामनगर में आपने देखा होगा कि पूरा उत्तराखंडियत की झलकियां देखी होगी, वहां पे लाल किले में मानस खंड की झांकी देखी गई, और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अब हर कार्यक्रम में मानस खंड की झांकी को एक स्थान दे दिया है। संगीता जी, ये क्या उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण नहीं है, गौरव का पल नहीं है? मैं बताता हूँ ना, एक मिनट, सवाल किया जा रहा था उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लेके कांग्रेस से पूछा जा रहा था। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों इनके सभी प्रदेश के प्रवक्ता और क्यों इनके गणमान्य नेताओं को कैमरे के आगे आकर ये चीज का जवाब देना पड़ा था कि हमें गढ़वाली प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ता है, कुमाऊनी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ता है, क्यों इस सवाल का जवाब? एक मिनट, आप किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। एक मिनट विधायक जी प्रणाम। एक मिनट किशोर उपाध्याय जी कैसे हैं आप? हेलो, कौन से लगी? हाँ जी उपाध्याय जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। नमस्कार, सब कुशल मंगल सर? हेलो, मैंने कहा सर सब कुशल मंगल? सब बढ़िया। उपाध्याय जी, बहुत दिनों बाद एक तो आपकी और हमारी बातचीत हो रही है जी। आपने उत्तराखंडियत का जिक्र करते हुए लिखा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। बिल्कुल सही लिखा विधायक जी। एक मिनट हनी जी अपनी बात रख रहे हैं, विधायक जी आप प्लीज ऊपर विधायक कर दीजिए बीजेपी। मैं एक बात जानना चाह रहा था किशोर उपाध्याय जी, आपने ऐसा क्यों लिखा? नहीं, मैंने उसमें किसी का जिक्र तो किया नहीं। बिल्कुल, देखिए शब्द मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं। 2016 में एक घटना यहाँ राजनीतिक घटित हुई। हाँ। विधायक करिए प्लीज। उस समय मैंने कहा कि ये उत्तराखंडियत पर आक्रमण है, हमला है। तो जब मैं ये बोल रहा था तो हमारे संदर्भित साथी ने कहा कि भाई ये उत्तराखंडियत क्या होती है। तो उत्तराखंडियत जो है विश्व कल्याण की भावना है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंडियत में निहित है। हिमालय जो विश्व नियंता है जलवायु और जल और बहुत सी चीजों को लेकर के, वो उत्तराखंडियत है। माँ गंगा उत्तराखंडियत है। उत्तराखंडियत खाली ये नहीं है कि हम गेहूं खाएंगे, हम जो है वो और कुछ खाएंगे, कचालू खाएंगे। तो जब ये हुआ, कुछ पता चला कि उत्तराखंडियत पर कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा भाई जो जिसने माँ सरस्वती की कृपा से इस शब्द की उत्पत्ति की, मुझे लगता है कि जो है इसमें उसका भी थोड़ा जिक्र करते और उसको सही ढंग से परिभाषित करते ठीक तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक किशोर जी, आपने जिस घटना का जिक्र किया, मैं भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूँ। ठीक, आपके और मेरे बीच में कई बार ऐसी वार्तालाप भी हुई, 2016 में ही चलते हैं, जब आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तब भी मैंने यही सवाल किया था, आज एक बार फिर से वही सवाल कर रहा हूँ।
किशोर उपाध्याय जी के मन में उत्तराखंडियत का जिक्र है, ठीक, लेकिन ये उत्तराखंडियत के मायने क्या है किशोर उपाध्याय जी के मन में? तिलक चावला का वही सवाल है जो 2016 में पूछा था, 2022-23 में पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, उत्तराखंडियत वो भावना है जो देना जानती है, वो लेना नहीं जानती है ना। आप उत्तराखंड में आप देखिए, अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे हैं तो दे रहे हैं जी, अगर हम जल दे रहे हैं तो दे रहे हैं जी, अगर हम जल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे हैं ना, कुछ खा तो भी रहे हैं नहीं। तो जो जो विश्व को, मानवता को जीवित रखने की और देने की भावना है वो उत्तराखंडियत है। ठीक जी, तब भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहा है। तब भी मैंने एक सवाल ये किया था, आपने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई किशोर उपाध्याय ने लड़ी, ठीक, आप विधायक बाद में हैं, टिहरी के नुमाइंदे बाद में हैं, पहले आप उत्तराखंडी हैं और राज्य आंदोलनकारी हैं, ठीक, तब भी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि आप ग्रीन बोनस की मांग करते हैं जी, आप सरकार के खिलाफ भी धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन आज आप ग्रीन बोनस की मांग नहीं करते ना धरने पर बैठते हैं, फिर क्या ये उत्तराखंडियत से अलग नहीं है? नहीं, ये हर समय जो है जब उपयुक्त अवसर होगा, मैं तो उसी उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात है, अगर हमारे जो वनाधिकार है, हमारा ग्रीन बोनस तो छोटी चीज है। नहीं, आप धरने पर बैठे थे ग्रीन बोनस को लेकर सर। नहीं, तो जब उपयुक्त समय आएगा, हर चीजें धरने से उसका समाधान नहीं होता है ना। नहीं, आप समय की बात करें सर, समय तो बहुत निकल गया, मैं तभी पूछ रहा हूँ, आप धरने पर बैठेंगे आप? नहीं, अगर नई समस्याओं का समाधान होगा तो संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, उसमें कोई संघर्ष का रास्ता चुनने से कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस भावना से नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ उपाध्याय जी, क्योंकि मैंने आपके काम करने के तौर तरीके को भी देखा है। कभी आपने अब इन मुद्दों को लेकर आंदोलन क्यों नहीं किया? कभी हाल फिलहाल में कोई आंदोलन किया आपने? आप तो राज्य आंदोलनकारी रहे। हाल फिलहाल में तो एक साल से जो मेरे सामने चुनौतियां हैं टिहरी की, जिस जनता ने आशीर्वाद दिया, जिस पार्टी ने टिकट दिया और जितवाने का काम किया, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? और उसके साथ में जो हिमालय, जो हमारा क्लाइमेट का नियंता है पूरे विश्व के लिए, जिस तरह का उस पर स्थिति बन रही है और उसमें हम सब शामिल हैं। आपने वन अधिकार आंदोलन का जिक्र किया था, मुझे अच्छी तरह आपके एक एक शब्द मुझे याद रहते हैं उपाध्याय जी, आपने वन अधिकार आंदोलन का जिक्र किया था ना सर? हाँ, तो वन अधिकार आंदोलन में हमने पूरे पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक जो है बहुत कार्यक्रम किए हैं। तो फिर सर, यही तो बात है ना, आप अगर हरीश रावत मुख्यमंत्री होते तो आप धरने पर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज कोई धरना नहीं दे रहे, नहीं, आप उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी, अगर वार्ता से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, अब जैसे मैं कहूँ कि अभी जो है घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने जो 3 गैस सिलेंडर देने की बात रखी, तो कहीं ना कहीं वो वनाधिकार से उपजी हुई एक सोच होगी ना। नहीं, मैं हर्ष अग्रवाल जी का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अब लाइव में सवाल आ गया कि किशोर उपाध्याय जी, अगर हो सकते हैं आपके पुराने साथी हैं, कह रहे हैं कि किशोर उपाध्याय जी ने उत्तराखंड आंदोलन को लेकर किया क्या, अगर उत्तराखंड आंदोलन की बात करते हैं तो। हाँ, उसकी बात बताता हूँ मैं। हाँ, किशोर उपाध्याय नहीं होते तो उत्तराखंड आंदोलन भी नहीं होता। अगर मैं इंद्रमणि पटौनी जी को 2 बार राजेश पायलट जी से नहीं मिलवाता और राजेश पायलट जी नहीं कहते कि भाई कुछ आप शुरू करो आंदोलन, तो कहाँ से आंदोलन शुरू हो जाता? आपने जानकारी, आप उपाध्याय जी, आपकी बात से मैं सहमत, मैं तब भी ये सवाल किया था, आप हर बार ये बात कहते हैं कि मैंने राजेश पायलट को इंद्रमणि बड़ोनी जी से मिलाया, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत तो होगी जिस जो इस बैठक का, इस मीटिंग का, जिसके पास प्रमाण होगा कि मैंने इनकी मीटिंग करवाई। काशी सिंह गैरी जी से बात करिए जी, आप त्रिवेंद्र पवार जी हैं, वो ऋषिकेश में हैं जी, और भी दिल्ली में बहुत से साथी होंगे और जो ये बताएंगे कि हाँ, खुद बहुत से बड़े नेता हैं, उनसे पूछ लीजिए। हाँ, अच्छा, ये और नहीं तो, अच्छा उपाध्याय जी, एक बात, तो उस समय के जो राजेश पायलट जी की डायरी होगी उसमें जिक्र होगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतना नाराज क्यों है हरीश रावत जी से, वो अगर उत्तराखंडियत की बात ही तो कर रहे हैं ना। मैं किसी से, किसी व्यक्ति पर मैं
चर्चा नहीं करना चाहूंगा, और जो शब्द है उस पर आप कुछ करना कहना चाहें, आप वनाधिकार पर कुछ जानना चाहें, आप हिमालय पर कुछ जानना चाहें, तो उसमें मैं निश्चित रूप से जो है अपनी बात रख सकता हूं। मतलब हरीश रावत पे कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, वो जिस तरह से आप पोस्ट कर रहे हैं वो इशारा तो वही है, वो भी पोस्ट कर रहे हैं, आप भी पोस्ट कर, वो तो सतपाल महाराज वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी के साथ वफादार बन के खड़ा रहा, आप चले गए, ये कौन सी उत्तराखंडियत? जी ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि पार्टी के भीतर जो लोग होते हैं वो पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। जैसे कि? अरे भाई, आप जैसे कि बहुत से लोग हैं हर पार्टी में, वो अंदर ही अंदर जो है घुन की तरह जो है वो संस्थाओं को पार्टियों को खत्म कर देते हैं। आपके सामने उदाहरण है, जैसे आज कुछ बहुत से उदाहरण। नहीं तो आप, आपके हाथ में तो संगठन की कमान थी ना सर, आप तो खुद मुखिया थे संगठन के, और आपके हो तो अगर पार्टी को कोई बतौर प्रदेश अध्यक्ष तो आपने भी पार्टी के खिलाफ कई बयान दिए। हाँ यस, अगर अगर मैं और मेरे साथी नहीं होते तो सरकार भी नहीं बचती ना 16 में। हमने 55 दिन में 600 कार्यक्रम किए हैं उस समय जो है। नहीं, मैंने देखा आपने तो लीड किया उस, तो जब आपने, आप तो निष्पक्ष दृष्टा हो तो आप जानते हो क्या परिस्थितियां हैं और क्या बनी, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे, राजनीतिक चर्चा बाद में कर लेंगे, इस समय तो उत्तराखंडियत पर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है उपाध्याय जी, आपने वक्त दिया इंडिया वॉइस को, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो किशोर उपाध्याय जी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक। शीशपाल जी, फाइनल 10 सेकंड सिर्फ आपके, सुना आपने क्या कह रहे थे? आपने फिर देखो, फिर आप कहते हो तिलक भाई मत किया करो ऐसा, अब मेरे को चुनौती मत दिया करो बस। देखिए तिलक जी, अगर किशोर उपाध्याय जी जब उत्तराखंडियत तो हरिद्वार के वनतारा रिसोर्ट में सातार हो रही थी, बेटी अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाते और वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए आवाज उठाते तो हम उनके साथ होते। जब बेरोजगारों पर लाठियां, ओके, हमारी बेटियों के साथ। ओके ओके ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप लोगों के पास आता मैं वक्त से ऊपर चला गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किशोर उपाध्याय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बकायदा ये हेराफेरी, सियासी हेराफेरी, हकीकत क्या, फसाना क्या, आप देखिए ये लड़ाई दरअसल पुरानी है। किस्सा बता देता, अभी छोड़ देता हूं, किस्सा नहीं सुनाता, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।